Hello everyone i hope you people are fine this is sfm your physics teacher and i welcome you all to my youtube channel phycraft so students in our previous lecture we have discussed the free fall motion and how free fall motion alters under the effect of air resistance and we have also discussed the terminal velocity as well so now it's time to move and discuss the topic that is balance and unbalanced forces so let's start स्टूडेंट्स so फोर्स को हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया था आपको याद होगा कि हमने डिफॉर्मेशन के आर्टिकल में फोर्स को डिफाइन किया था कुछ इस तरह के फोर्स डिफॉर्म्स और टेंड्स टू डिफॉर्म इसी तरह अगर हम फोर्स को मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन गेन करें तो आपको एक पर्सन किसी ऑब्जेक्ट को ड्रैग करते हुए नज़र आ रहा है इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स फोर्स कुछ इस फॉर्म में भी तो हो सकती है ना जो कि चीजों को मूव करवाए बिल्कुल हो सकती है तो लिहाजा हम डिफाइन करते हैं कि फोर्स इज बेसिकली अ अ पुश और पुल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन तो अभी तक हमने तीन डेफिनेशन स्टूडेंट्स कवर कर ली हैं हमने एक स्टूडेंट्स कवर की फोर्स डिफॉर्म्स और टू डिफॉर्म्स नंबर टें डेफिनेशन हमने मोमेंटम के चैप्टर में की थी जिसमें डेफिनेशन हमने पढ़ी कि फोर्स इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ओके सो नाउ हम थर्ड डेफिनेशन पढ़ रहे और ये बड़ी कॉमन सी डेफिनेशन है आपने जूनियर क्लासेस में भी यही डेफिनेशन स्टडी की होगी कि फोर्स बेसिकली पुश और पुल इन डायरेक्शन क्लियर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अब जब ये हम फोर्स लगा ही रहे हैं ये पुश एंड पुल किसी ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम फोर्स को इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से अप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स उस वो जो ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट पे होगा तो वो मूव करना शुरू कर देगा और अगर वो पहले से मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड में या उसकी वेलोसिटी में इंक्रीमेंट आना शुरू हो जाएगा या अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसको अगर हम रोकना चाहते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट में क्या आएगा उसकी जो वेलोसिटी या उसकी जो स्पीड है उसमें चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी या उसकी स्पीड हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी तो जो नेक्स्ट टू डेफिनेशन है ये हम इसी से अप्लाई कर रहे हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा और अगर हमने उसके ऊपर कोई फोर्स एक्जर्ट की तो उसकी विलोसिटी में चेंज आएगा और विलोसिटी में चेंज के नाम को स्टूडेंट्स हम एक्सेलरेशन कहते हैं सो फोर्स एक्सेलरेट और टेंड्स टू एक्सेलरेट दिस इज बेसिकली ऑल्सो नेम एज फोर्स नेक्स्ट डेफिनेशन फोर्स दैट्स मीन अगर मूव कर रही है और उसको अगर हम स्टॉप करवाना चाहते हैं स्टेशनरी करवाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली उसकी मूवमेंट के अगेंस्ट हम फोर्स लगाएंगे और यही फोर्स हम इसी फोर्स से हम क्या प्रोड्यूस करेंगे डिसलरेशन प्रोड्यूस करेंगे या रिटार्डेशन के नाम भी आपने सुना होगा एंड द फोर्थिनेशन इज फोर्स डी फॉर्म एंड टेंस टू डिफॉर्मस तो स्टूडेंट हमने पांच डेफिनेशन पढ़ ली है तो इनमें से कोई भी आप एग्जाम में लिख सकते हैं है कि फोर्स इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम अगर यही आप लिखेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा सो फोर्स इज बेसिकली अक्टर क्वान्टिटी दैट मीन वेक्टर क्वान्टिटी विच नीड्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एस वेल सो स्टूडेंट्स ये दो चीजें बहुत जरूरी हैं वेक्टर क्वान्टिटी के लिए दैट्स मीन के फोर्स को ना सिर्फ हमने उसका मैग्नीट्यूड कंसिडर करना होगा मैग्नीट्यूड को बताना होगा बल्कि उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन को भी डिस्कस करना होगा और यह हम मैय करते हैं एक यूनिट न्यूटन जिसका नेम है अब न्यूटन क्या होता है स्टूडेंट्स यूनिट हम न्यूटन क्यों यूज़ करते हैं या किस तरह के ये कॉन्स्टिट्यूंट से मिल के बना है इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम न्यूटन सेकंड लॉ को डिस्कस करेंगे यहां तक के लिए फिलहाल आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि न्यूटन बेसिकली एक फोर्स का यूनिट है और न्यूटन के लिए आपको दो चीज़ें रिक्वायर हैं कि आपकी जो फोर्स है वो वन न्यूटन तब होती है जब आप वन के जी मैथ के ऊपर फोर्स अप्लाई करो न्यूटन और उससे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो वो वन मीटर पर सेकेंड स्क हो तो तब हम जो फोर्स है उसको हम टू की फॉर्म में, में होती है कपल की फॉर्म में होती है एग्जर्ट अगर, अगर कर रहे हो फोर्स किसी भी वैल्यू की फॉर एग्जांपल आप 10 न्यूटन की फोर्स एग्जर्ट कर रहे हो तो वही ऑब्जेक्ट आपके हैंड के ऊपर टेन न्यूटन फोर्स एग्जर्ट करेगा कैसे सिंपल सी बॉल है अगर आप एक क्रिकेट की बॉल को वॉल के ऊपर अगर आप हिट करें क्रिकेट की बॉल को तो स्टूडेंट्स उसी स्पीड से या हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट उसी स्पीड से बॉल जो है वो रिटर्न बैक होती है क्योंकि हमने वॉल के ऊपर फोर्स लगाई है और वॉल ने वही फोर्स बॉल के ऊपर दोबारा लगा के हमें रिटर्न कर दी हम इसके बारे में मजीद इंशाल्लाह पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ में काफी डिटेल्स इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम एक्शन एंड रिएक्शन के पेयर्स को तो अभी तक के लिए बस जितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए वेल एंड गुड जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह माइंड में रखिएगा नेक्स्ट स्लाइड्स में वो खुद बहुत कवर होते जाएंगे ओके जी हम फोर्सेस की फर्स्ट टाइप्स को पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स और ये है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स याद रखिएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होती है कि जब भी आप किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर या किसी भी सरफेस के ऊपर चाहे वो अर्थ ही क्यों ना हो अगर आप उसके ऊपर कोई पुश फोर्स लगाते हो दैट्स मीन अगर आप खड़े हुए हो और आपका वेट जो है वो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है इसी तरह आपने टेबल के ऊपर कोई कोई ब्लॉक रखा है या टेबल के ऊपर आपने कोई बुक रखी है तो ये सारी चीजें क्या है ये सारी चीजें इस टेबल के ऊपर या एक रोड के ऊपर या किसी भी सर्फेस के ऊपर ये एक फोर्स लगा रही होती है और नीचे जाने की कोशिश कर रही होती है अब फोर्सेस जो है स्टूडेंट्स एक्शन एंड रिएक्शन की फॉर्म में होता है तो हम ये फिलहाल कह सकते हैं कि जितना ऑब्जेक्ट बड़ा है उसी लिहाज से उसका जो डाउनवर्ड फोर्स है या डाउनवर्ड पुश है वो उस फ्लैट सर्फेस के ऊपर लग रहा है अब जैसे ही वो फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई होती है वो फ्लैट सरफेस रिएक्शन की फॉर्म में उसी के अगेंस्ट एक फोर्स लगाती है जो कि हमेशा फ्लैट सरफेस के 90 डिग्री होती है स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं आई नो दैट कुछ क्वेश्चन में होंगे लेकिन अभी आप अगर uh, इस स्लाइड को अगर आप ध्यान से देखेंगे इनशाला स्टूडेंट्स तो ये चीज आपकी कवर हो जाएगी सो so, हम डिफाइन करते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को इट इज द परपेंडिकुलर पुश ऑफ सरफेस एंड इट एक्ट एट मतलब निकला स्टूडेंट्स? सिंपल सी बात है अगर आपके पास कोई गया? तो मैं इसके ऊपर यह पेन इस तरह रख देता हूं इस टाइम जो पेन की डायरेक्शन है स्टूडेंट्स ही नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती है और यह हमेशा आपके हैंड या फ्लैट सर्फेस के इस टाइम ये जो पेन है ये इस मेरे पाम के साथ ये 90 डिग्री बना रहा है तो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी स्टूडेंट्स वो हमेशा क्या होगी परपेंडिकुलर पुश होगा किसकी तरफ से सरफेस की तरफ से कब जब एक ऑब्जेक्ट आप फ्लैट सरफेस के ऊपर रखोगे किसी भी आपने बुक रख दी कोई भी आपने ऑब्जेक्ट रख दिया अब चूंकि जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है वो पुश कर रहा है उस फ्लैट सरफेस को तो फ्लैट सरफेस इन रिटर्न क्या करेगी एक परपेंडिकुलर पुश अप्लाई करेगी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना उसका वेट होगा क्लियर uh, तो से, इस इस से देखिएगा आपके पास क्या है एक रोड है एक, आ, कुछ भी ले लें टेबल है उसके ऊपर ब्लॉक पड़ा है कुछ भी जेन इमेजिन कर लें अब इस ब्लॉक का जो वेट है स्टूडेंट्स वो कहा है वो इस पॉइंट से निकल रहा है और किधर जा रहा है यहां पे डाउनवर्ड जा रहा है इजी सो so, इसको हम क्या कहते हैं ये वेट है जो कि अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है इजी तो so, अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर ये एक फ्लैट सरफेस लू चलिए अर्थ ले लिया ठीक है सॉरी और इसके ऊपर मैंने ये ब्लॉक रख दिया ब्लॉक so, किधर जाना चाहता है ये अर्थ इसको टूवर्ड देंटर ऑफ अर्थ क्या कर रही है अट्रैक्ट कर रही है सो so, अब इमेजिन करो कि बीच में क्या आ गया बीच में आपके पास ये आ गया टेबल आपने यहां पे बना दिया ओके okay? ये टेबल हो गया इस टेबल के ऊपर क्या पड़ा है कोई बॉल पड़ी है कोई बुक पड़ी है इजी अब ये वेट क्या है वेट तो जा रहा है डाउनवर्ड अर्थ के सेंटर की तरफ जाना चाहता है इजी और टेबल इसके ऊपर क्या कर रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है

अगर हम यही ऑब्जेक्ट किसी और प्लान के ऊपर रख दें जहां पर ग्रेविटी की वैल्यू ज्यादा होगी तो इस इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा चले अब हम स्टार्ट करते हैं अगेन इस चीज को समझना हमने स्टूडेंट्स यहां पे बात कर ली के वेट क्या है वेट स्टूडेंट्स होगा डाउनवर्ड फोर्स होगी क्लियर तो ये देखिएगा ये क्या है सो सॉरी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गई और ये इसका क्या आ गया है इसका वेट आ गया है क्लियर

एक दफा दोबारा देख लें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये है और वेट कहाक्शन में, में इस पॉइंट पे अगर आप कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं सॉरी कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा ठीक है मोमेंट नहीं जनरेट होगा और यहां पर हमने क्या बता दिया ये वेट है स्टूडेंट्स और ये क्या है ये नॉर्मल रिएक्शन

फ्लैट सरफेस के क्या हो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर हो ऐसा ही बोला था ना तो ये देखिए अगर सरफेस मैं टिल्ट कर दूं तो अभी भी 90 डिग्री कहीं नहीं जाएगा बात समझ आई कि नहीं है फॉर अगर मैं ऐसे ऐसे ही बनाता और आप कहते सर इसके ऊपर बना के दिखाएं नॉर्मल रिएक्शन तो ये नॉर्मल रिएक्शन नहीं है स्टूडेंट क्यों क्योंकि यहां पे ये एंगल थीटा बना रहा है एंगल 90 नहीं बना रहा सो so, एंगल 90 के लिए आपको क्या चाहिए आपको ये चाहिए कि नॉर्मल भी फ्लैट सर्फेस के साथ साथ टिल्ट हो जाता है क्लियर हो गया यहां देखिएगा ये मेरा हैंड है इस टाइम इसके ऊपर क्या है ये पेन है और ये 90 डिग्री बना रहा है ठीक हो गया इसी फ्लैट सरफेस को मैं क्या ऐसे कर कर ऐसे दूंगा तो नॉर्मल ऐसे हो गया इजी और अगर मैं इसको ऐसे कर दू तो नॉर्मल ऐसे हो गया समझ आ रही कि नहीं आप एक दफा अपने हैंड पे ट्राई करके देखिएगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा नाइनटी डिग्री होगी और हमेशा ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जनरेट होगी लेकिन स्टूडेंट्स वेट कहां से आएगा चेक कीजिएगा वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा स्ट्रेट लाइन एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ इसका ये मतलब ये वेट ऐसे नहीं जाएगा स्टूडेंट्स वेट की ये डायरेक्शन हरगिज नहीं होगी ये बात याद रखिएगा वेट की डायरेक्शन हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी डाउनवर्ड होगी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होगी क्लियर हो गया ठीक है ओके हमने यहां तक देख लिया इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल हम एक और देख लेते हैं स्टूडेंट्स यहां देखिएगा <coughs> नॉर्मल रिएक्शन की लास्ट एग्जांपल एक दफा करते हैं इमेजिन कीजिए ये लैडर हमने इस तरह करके वॉल के साथ रखी हुई है हमने ओके हो गया अब मैंने आपको बोला था कि जब भी आप किसी चीज के ऊपर क्या करते हो फोर्स एक्सर्ट करते हो तो इन response वो जो रिस्पॉन्सर्फेस है वो आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर भी उतनी ही एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या करती है जनरेट करती है क्लियर सो so अब अगर स्टूडेंट्स हमने ये वॉल के साथ ये क्या लगा दी एक लैडर लगा दी कुछ इस फॉर्म में अब लैडर के जो कांटेक्ट है वो दो कांटेक्ट है एक स्टूडेंट यहां पे हो रहा है जो कि अर्थ के साथ है और एक क्या है एक ए पॉइंट पे जो कि किसके साथ है स्टूडेंट्स वॉल के साथ है. अब होगा क्या आपने अर्थ के साथ एक नॉर्मल ड्रॉ करना है और वॉल के साथ एक और नॉर्मल ड्रॉ करना है क्योंकि दोनों पॉइंट पे हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखने को मिल रही है क्योंकि पुश लग रहा है ना यहां पे भी देखिए इस तरफ लग रहा है वॉल को इस तरफ धकेल रही है ये लेटर यहां पे किस तरफ लग रहा है इस तरफ धकेल रही है फिलहाल इस एफ पे गौर नहीं कीजिएगा बाद में स्टडी करते हैं क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हुआ तो इस इसका मतलब है स्टूडेंट इस टाइम हमारे पास दो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होंगे और नॉर्मल रिएक्शन आप किस तरह होंगे आप जरा ध्यान से आपने देखना है ध्यान से देखिएगा अगेन ओके ये नॉर्मल यहां पे स्ट्रेट लाइन होगी और ये आपके पास किस एंगल पे होगा यहां पे ये नाइन्टी डिग्री पे होगा ठीक हो गया स्टूडेंट्स अब ये नॉर्मल कौन सा है ये नॉर्मल वो जो कि अर्थ एक पुश लगा रही है किसके ऊपर स्लाइडर के ऊपर लगा रही है जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कह रहे हैं अब यहां पे आप लोगों ने ध्यान से देखना है यहां पे नॉर्मल ये है एन वन जिसके साथ लिखा हुआ है वॉल ऐसे नहीं तो ये वॉल के साथ कौन सा एंगल बना रहा है नाइन्टी <coughs> डिग्री बना रहा है तो इस तरह के केस में स्टूडेंट्स हमारे पास कितने आ, केस आ गए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के हमने देख लिया कि हमारे पास आ, टू केसेस आ गए और इस वेट को देख ले वेट हमेशा ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट से स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड एक्ट करता है टिल्ट नहीं होता वेट हमेशा स्ट्रेट लाइन रहता है क्लियर हो गया ओके okay, सो so, uh, इसके बाद हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स टेंशन को और सिंपल uh, सी बात है स्टूडेंट्स अगर मेरे पास कोई स्ट्रिंग है इमेजिन कर लें ये जो मेरे पास क्या पड़ा है एक चार्जर पड़ा है ठीक है तो इस स्ट्रिंग में अभी आप देख रहे हैं ये स्ट्रिंग क्या है क्योंकि डक्टाइल मटेरियल है तो ये अजीब सी शेप बना के बैठी हुई है क्लियर हो गया इसके अंदर कोई टेंशन नहीं है जिसको हम उर्दू में खिंचाव कहते हैं कोई ऐसी फोर्स नहीं अभी नजर आ रही देख लें बिल्कुल स्लिंकी सी है इसी मैं क्या करता हूँ यहाँ से पकड़ के ऊपर की तरफ फोर्स लगाता हूं और यहां से पकड़ के स्टूडेंट्स मैं किधर फोर्स फोर्स लगा रहा हूं? नीचे फोर्स लगा रहा रहा हूं हूं नीचे और जब ये नीचे फोर्स लगाता हूं तो आप देखते हैं कि पहले शेप इसकी ऐसी थी अब शेप कैसी हो गई है अब इसकी शेप कुछ इस तरह से हो गई है इसका मतलब है अब स्ट्रिंग में क्या आ गया है टेंशन आ गई है किस वजह से आई है इन फोर्सेस की वजह से आई है जो फोर्सेस हम लगा रहे हैं अब चूंकि फोर्सेस हमेशा एक्शन एंड रिएक्शन के फॉर्म में होती है पेयर फॉर्म में होती है तो हमें अब समझना है कि ये जो फोर्स हमने अप्लाई की है इसकी वजह से ये जो टेंशन टेंशन प्रोड्यूस हुई है इस tension की डायरेक्शन क्या है सो so हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट डेफिनेशन से द फोर्स ट्रांसमिटेड थ्रू अ रोप फोर्स जो कि प्रोड्यूस होती है किसमें रोप में स्ट्रिंग में या वायर में वेन फोल्ड बाय फोर्सेस आपने देखा कि जब मैंने फोर्सेस लगा के उसको एक्सटेंड किया दोनों साइड से तो उस स्ट्रिंग में या उस वायर में स्टूडेंट्स क्या प्रोड्यूस हुई टेंशन प्रोड्यूस हुई क्लियर हो गया क्लियर हुआ सो आप जरा ध्यान से देखिए तो फिर रिपीट कर लें इट एक्स अलोंग रोप ये मैंने समझा दिया द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इज सेम अलोंग द रोप इसका मतलब है कि अगर ये अगेन Uh, मैं फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे 50 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं तो अब जब स्ट्रिंग में फिफ्टी न्यूटन की टेंशन प्रोड्यूस हुई तो यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी यहां पे भी हर पॉइंट पे टेंशन की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो क्या रहेगी सेम रहेगी अब टेंशन का की पॉइंट दे रहा हूं इस पॉइंट को आपने भूलना नहीं ये पॉइंट की पॉइंट है आपको ए uh, लेवल में भी काम देगा और यहाँ पे भी काम देगा जरा ध्यान से देखिएगा द डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज अलोंग द रोप अवे फ्रॉम द फिक्स पॉइंट बस ये आपने याद रखना है क्या पॉइंट लिखा है अवे फ्रॉम द दिक्स पॉइंट वेयर द रोप इज अटैच अब जहां पे रोप अटैच है वहां पे आपने क्या करना है वहां पे आपने उससे अवे टेंशन ड्रॉ कर देनी है सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर हो गया कहां पे जहां पे रोप अटैच है या जो एग्जामिनर पॉइंट देगा कि इस पॉइंट के साथ मुझे टेंशन बता दो इजी हो गया अब इमेजिन करो इमेजिन करो बेटा कि हमने क्या किया है वेट हैंग किया है कितने न्यूटन का

तो इससे अवे क्या है इससे अवे अपर डायरेक्शन है तो टेंशन की डायरेक्शन क्या हो गई स्टूडेंट यह डायरेक्शन हो गई और टेंशन की वैल्यू भी कितनी होगी गई हंड्रेड डिटेन हो गई so हमने इसकी डायरेक्शन भी बता दी और हमने इसका मैग्नीट्यूड भी बता दें यहां देखिएगा ये पॉइंट स्टूडेंट्स क्या है एक्स है क्लियर हो गया क्यों क्योंकि वेयर द रोप इज अटैच जहां पे रोप अटैच है तो रोप अटैच कहां कहां है स्टूडेंट्स एक पॉइंट इस पे अटैच है और एक पॉइंट इस पे अटैच है इजी सो so, आपने वो पॉइंट देखना है कि जहां से रोप जहां पे रोप अटैच है अब आप रोप यहां पे अटैच है तो टेंशन की डायरेक्शन क्या हो गई डाउनवर्ड हो गई इजी यहां देखिए एग्जामिनर कहता है इस पॉइंट पे बताओ टेंशन कितनी है तो इस इस पॉइंट पॉइंट से अवे टेंशन टेंशन ये ये हो गई एग्जामिनर कहता है है पे कितनी हो गई तो जितनी वो फोर्स अप्लाई करेगा टेंशन उतनी होगी ये बात याद रखें एग्जामिनर कहता है इस पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी सेंटर पॉइंट पे अमूमन वो कॉर्नर कॉर्नर वाले पॉइंट्स कहेगा

स्टार्ट uh, करते हैं फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट और अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो टेक केयर अला फेस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं